करो। तो आज आपको बताए कि आज धनतेरस का टाइम है, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। एंड हमने थोड़ी मोटी सजावट कर चुकी है, लाइटिंग्स लगा चुके हैं क्योंकि कल का दिन लाइटिंग का था। आज हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने, क्योंकि उसके पहले भी हमने थोड़ी जो छोटे मोटे वो हमने ले लिए हैं, और अभी अभी जो बड़े मतलब कि और लेने हैं बाकी है वो अभी हम लेने जाएंगे। मम्मी अभी चिट्ठी बना रही है, हम लोग 11:30 बजे जाएंगे और अभी बज रहे 10। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है और धूप भी बहुत कड़क निकली है, इसलिए हमने सब प्लान्स को हमने बाहर रख दिया है। और बाहर का गैलरी का आपको मैं बाद में दिखा दूँ। और पूरा सजावट हो गई है, मंदिर में भी पूरी सजावट हो गई है, बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी है दिवाली की और सब हो गया है। एंड फटाखे तो पॉसिबल, मैं इस बार फटाखे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि पोल्यूशन बहुत होगा, पर तभी भी थोड़े मोड़े फोड़ देंगे। और सबके भी कपड़े आ चुके हैं, मेरे कुर्ते पजामे भी आ गए, मेरे पापा के भी, सबके। कल थोड़ी ठंडी ठंडी सा सुबह सुबह मौसम लग रहा है, मौसम 11 बजे के पहले थोड़ा ठंडी ठंडा लग रहा है, अभी भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा ठंडी। तो आज मतलब कि ठंडी का मौसम आ चुका है, नवंबर से चालू हो गया, थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। वो कब जा रहे हैं बैम्बू स्टिक को भी अच्छे से थोड़े थोड़े उग रहे हैं, पानी 3 दिन बाद इसमें पानी डालना पड़ता है, इसलिए 3 दिन बाद ये खुद पानी पी लिया, मालूम नहीं कहाँ से। तो अभी ये आज दूसरा है, कल डालेंगे एक और बार पानी, और धीरे धीरे उग रहे हैं सब क्या, तो अच्छा है। तो 3 दिन बाद इसको देखते हैं, इसको मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, जब सूरज की रोशनी आएगी तो हम थोड़ा आगे कर देंगे इस साइड। मेरी थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह मैं वो कंप्लीट करके मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलो, तो फ्रेंड्स मैंने अपनी पढ़ाई कर ली चुकी है, तो मैंने अपनी पढ़ाई तो कर ली है, तो चलते कुछ और जैसा करते हैं कुछ। अब क्या करें, अभी तो चलना, अभी 10:30 हो रहा है, बस 11:30 तक इंतजार है। तो शॉपिंग का भी बहुत है, आज हमको फ्लावर्स आते हैं ना प्लास्टिक के, वो भी लेंगे और सजावट करेंगे पूरे घर को डेकोरेटिव। तो चलते वो रूम है, ये रूम को बंद कर देते हैं। जय माता दी माय फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने अभी जो फटाखे लगाए, और आज लक्ष्मी और गणेश का पूजन होगा, और अभी हो रहा है सुबह, मम्मी खाने का तैयारी कर रही है, हमारा नाश्ता हो गया है। मम्मी आपने नाश्ते में क्या बनाया था? पोहा। तो आई लाइक पोहा। हमने घर को पूरा सजावट जो कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बहुत बिजी है, और पापा भी थोड़ा बहुत बिजी है, और भाई अपना क्लास अटेंड कर रहा है, मैं थोड़ा बैठा, उसके बाद मैं बस 5 मिनट रेस्ट लेके बाद मैं अपना पढ़ाई करने बैठ जाऊँगा। आज के दिन पढ़ाई करना चाहिए, आज के दिन राम जी आते हैं। आप देख सकते कि ये तोरण लगा है इस साइड, और इस साइड क्रिस्टल। फ्रेंड्स अब 5 मिनट पहले हम आए हैं और सामान लेके जो जो चाहिए थे, और मेरे नहा धो के रेडी भी हो गए दिवाली के लिए, मैंने दिया भी रेडी है, पापा भी सजावट करे। 6 से 8 तक मुहूर्त है ना, तो अभी 6 नहीं बजे है, तो अभी 5:50 हो रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं रेडी हो चुका हूँ। तो आज एकदम धूम धमाका, आज के लिए राम जी इस समय 6 से 8 बजे तक आए थे हम लोग, वो भी राम जी। तो देखते पापा क्या कर रहे हैं, पापा लिख रहे हैं, और दिया सब रेडी है, अभी जलाएंगे 6 बजे सब जगह।
और लाइट्स भी 6 बजे ऑन करेंगे। घर का लाइट हमने अब 5 o'clock को ही ऑन कर दिया, पर बाहर का जो है जो डेकोरेशन किए है हमने वो हम 6 बजे लगाएंगे। और ये सब खाली हो गए हैं यहाँ का। तो आज साईं बाबा, आज थर्सडे इसलिए आज हमारे नीचे साईं बाबा के यहाँ भी पूजा है। रंगोली भी बहुत अच्छा काटा है, मतलब कि अच्छा किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा आप देख सकते हैं कि रंगोली बहुत अच्छा किया है। 1 2 3 4 4 दिया लगाया है।